नमस्कार, मैं प्रदीप विश्वकर्मा हाजिर हूँ आपके सामने आपका अपना मन पसंदीदा कार्यक्रम एक मुलाकात लेकर। और जैसा कि आप जानते हैं, हम इस मुलाकात के जरिए आपको रूबरू करवाते हैं किसी खास शख्स से। हमारे साथ जो शख्स हैं, वो रोजगार देने का काम करते हैं, श्रम विभाग आपके पास में है, 6 बार के विधायक हैं, 5 बार तो डायरेक्ट चुने गए और 1 बार MLC रहे हैं। लंबा राजनीतिक करियर रहा है, बसपा में भी लंबे समय तक रहे हैं, कांशीराम के साथ में काम किया है और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, कैबिनेट मंत्री हैं और साथ ही साथ में अभी हाल ही में उन्हें केंद्रीय समिति का सदस्य भी बनाया गया। बहुत स्वागत है स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ में, बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद शर्मा जी। लंबा राजनीतिक करियर रहा आपका, 5 बार विधायक, 1 बार MLC, प्रतापगढ़ से लेकर के इलाहाबाद की राजनीति, इसमें कोई दोराय नहीं कि मेरी राजनीतिक सफर छात्र राजनीति से हुई, युवा लोकदल, फिर लोकदल, फिर जनता दल, फिर बहुजन समाज पार्टी और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का एक लंबा सफर का दौर गुजरा। संगठन में भी विभिन्न पदों पर रहने का मौका मिला। युवा लोकदल में प्रदेश महासचिव से मैंने शुरुआत की थी, फिर लोकदल में प्रदेश महासचिव, मुख्य महासचिव, फिर जनता दल में प्रदेश महासचिव, फिर बहुजन समाज पार्टी में प्रदेश महासचिव, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव के साथ साथ संगठन में भी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यसमिति में भी नामित किया गया है आपको। आप वरुण गांधी और मेनका गांधी को निकाल करके आपको जगह दे दी गई है उसमें। किसको निकाल के दिया गया या किसको सम्मान देके किया गया, ये बात प्रश्न बहस का नहीं है। राष्ट्रीय कार्य समिति में रखा गया हूँ, बस इतनी सी जानकारी है। और साथ ही साथ सत्ता और विपक्ष दोनों में रहने का हमें एक लंबा अनुभव रहा है। पक्ष के नेता भी हैं। अब की मैं 6वीं बार मंत्रिमंडल का शपथ लिया हूं, 3 बार नेता विरोधी दल भी रहा हूं और संगठन में भी लंबे अरसे तक कार्य करने का अवसर मिला है। कुल मिलाकर के मैं एक जमीनी कार्यकर्ता के रूप में अपनी राजनीति की शुरुआत की। मेरा राजनीति में भी आपने लंबे समय राजनीति में मेरा आने का मुख्य लक्ष्य था जनसेवा, और उसी भावना से आज तक मैं कितने भी बड़े पद पर क्यों न रहा हूं, मैं 5-5, 6-6 बार मंत्री रह चुका, 3 बार नेता विरोधी दल भी रहा, पद कोई रहा हो, लेकिन मैं अपनी हैसियत को कार्यकर्ता से ज्यादा कभी नहीं माना। कार्यकर्ता के रूप में अपनी पहचान में हमेशा बनाए रखा। ये आपकी बात ठीक है, क्योंकि आप सबसे ज्यादा भीड़ आपके यहाँ लगती है, अक्सर भीड़ लगी रहती है, लोग काम कराने वाले आते रहते हैं आपके पास में। तो उसका कारण यही है कि आज सामान्य दिनों में भी मैं 1,500, 1,200, 1,500 कार्यकर्ताओं को मिलता जुलता हूँ, उनका काम भी करता हूँ, और उसका मात्र कारण यही है कि लंबे अरसे तक मैं खुद कार्यकर्ता रहा हूँ, इसलिए कार्यकर्ताओं की पीड़ा मैं समझता हूँ। आपकी छात्र राजनीति की बात करें, आपने इलाहाबाद जैसे विश्वविद्यालय में राजनीति किया, एक बड़ी बात। शुरुआत तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही मैंने किया था जी। लेकिन मकसद छात्र राजनीति में स्थापित होने का नहीं था, मकसद था जनता के बीच में राजनीति करने का, तमाम सामाजिक कुरीतियों पर कुठाराघात करना, सेवा भाव की सोच के साथ राजनीति में आना, और वही सेवा भाव की भावना आज तक मुझे औरों से अलग बनाती है। चौधरी चरण सिंह जी के नेतृत्व में मैंने राजनीति की शुरुआत की थी, फिर श्री हेमवती नंदन बहुड़ा जी, रामविलास पासवान जी, शरद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, लालू जी, कर्पूरी ठाकुर जी, जॉर्ज फर्नांडिस जी, देवीलाल जी, चौधरी देवीलाल जी, आज तमाम नेताओं के साथ साथ चलते चलते
श्री बीपी सिंह जी, और उसके बाद आप कांतिराम जी का नाम भूल गए, मानवर, उसी के बाद आ रहा हूं। बीपी सिंह के बाद फिर जब बहुजन समाज पार्टी की राजनीति की शुरुआत हुई तो मानवर कांशीराम जी की, यद्यपि मानवर कांशीराम जी के साथ तो मैं शुरुआती दौर में भी काम किया हूं विश्वविद्यालय छोड़ने के ठीक बाद, जब बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे मानवर कांशीराम जी और इलाहाबाद में उनके कार्यक्रम लगते थे तो मैं हर कार्यक्रम में उनके ऑर्गेनाइजर टीम में रहता था। बीएसपी के गठन से मैं कदम पीछे इसलिए किया कि मैं बीएसपी का गठन 84 में हुआ, उसके पहले से मैं 80 से ही युवा लोक दल का प्रदेश महासचिव था, तो चूंकि एक राजनीतिक पार्टी के प्रति मेरी वचनबद्धता पहले से थी, इसलिए मैं उस वचनबद्धता को देखते हुए मैं युवा लोक दल के प्रदेश महासचिव की हैसियत से अपना कदम आगे बढ़ाया और फिर लगातार मैं विचारों की राजनीति करता हुआ यहां तक पहुंचा। किसानों का जो आंदोलन चल रहा है अभी लखीमपुर में, जिस तरीके से किसानों को रौंदा गया, क्या कहेंगे उसके? देखिए, सत्ता हमारी हो या किसी और की हो, लोकतंत्र में लोकतांत्रिक मर्यादाओं का हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए। आज हम सत्ता में हैं, कल हम भी विपक्ष में हो सकते हैं, आज जो विपक्ष में हैं कल वो भी सत्ता में आ सकते हैं। सत्ता और विपक्ष दोनों लोकतंत्र के दो पहलू हैं। सत्ता पक्ष को जनता के प्रति किए गए वायदों की जवाबदेही जहां एक ओर सुनिश्चित करनी रहती है, वहीं पर विपक्ष अपनी सशक्त आवाज के माध्यम से सत्ता पक्ष को निरंकुश होने से हमेशा रोकने का सावधान करता है, रोकने का काम करता है। इसलिए जहां तक रही बात किसानों के साथ जो भी हुआ वो घटना अत्यंत ही निंदनीय है। देखिए, अगर उसने कानून तोड़ा है, कानून की नजर में अगर कोई अपराधी है, तो वो किसी के बेटे या किसी के पिता या किसी पद पर रहने से वो बच नहीं सकता है, कानून अपना काम करता है। लेकिन सवाल ये है ना, विपक्ष सवाल उठा रहा है, प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल, अखिलेश, ये सब सवाल उठा रहे हैं कि जब तक मंत्री पद पर रहेंगे तो वो जांच को प्रभावित कर देंगे। ये गृह राज्य मंत्री है, उनको तो पद से बर्खास्त करना चाहिए या मंत्रिमंडल से निकाला जाना चाहिए। देखिए, जहां तक रही बात राज्य गृह मंत्री जी की, जी उनका इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है, उनकी संलिप्तता इसमें नहीं है। जहां तक रही बात उनके बेटे की ओर इंगित किया जा रहा है, तो इस पर जांच चल रही है और सही मायने में छानबीन सघन और गहन छानबीन हो रही है। अगर वो दोषी है तो मंत्री का बेटा है इसलिए वो बचेगा नहीं, अगर दोषी है तो कार्रवाई होगी। इसलिए मंत्री पद अलग चीज है, तो अगर कानून की नजर में दोषी है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होती। हम अपराधी को अपराधी की तराजू पर ही तोलते हैं, उसको हम किसी पद के नाते महिमा मंडित करने के प्रसंग नहीं है। इसलिए कानून की नजर में सब बराबर है। कानून को अगर किसी ने तोड़ा है, अब कानून की नजर में अगर कोई दोषी है तो कोई किसी का बेटा हो, यहां तक कि वो सांसद विधायक ही क्यों ना हो या बहुत बड़ा वो थलीशाही क्यों ना हो, बाहुबली ही क्यों ना हो, वो जेल जाएगा, कानून उसके खिलाफ कड़ी सी कार्रवाई करेगी। ब्रेक का चला है, छोटा सा ब्रेक लेंगे, आप अपना स्क्रीन छोड़ करके कहीं मत जाइए, क्योंकि अब आपके विभाग से ताल्लुक रखने वाली तमाम चीजों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, क्योंकि आप रोजगार देते हैं, रोजगार बेरोजगारी भत्ते पर बात करेंगे, कितना रोजगार दिया उस पर बात करेंगे और श्रम को लेकर के जो तमाम समस्याएं आती हैं उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देवभूमि उत्तराखंड से देश भर में पीएम केयर्स के तहत स्थापित 35 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स राष्ट्र को किए समर्पित। इस मौके पर पीएम ने उत्तराखंड में कोविड वैक्सीनेशन कार्यक्रम की सराहना की। आपको बता दें कि राज्य में 95% टीकाकरण हो चुका है। यहाँ राज्य सरकार के प्रभावी मैनेजमेंट की वजह से उत्तराखंड भी बहुत जल्द 100% पहली डोज का पड़ाव पूरा करने वाला है।
हिमालय के पहाड़ों के उस पार पहुंच करके लोगों के पास जाना कितना कठिन होता है ये हम भली भांति जानते हैं। उसके बावजूद भी इतनी बड़ी सिद्धि प्राप्त करना वाकई आप सब अभिनंदन के अधिकारी हैं। सीएम हेल्पलाइन 1905 से प्रदेशवासियों की समस्याओं का हो रहा है त्वरित समाधान। मुख्यमंत्री ने समीक्षा के दौरान हेल्पलाइन पर शिकायतें सुनी और सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त होने वाली सभी शिकायतों के समयबद्ध समाधान के निर्देश दिए। प्रदेश की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भर्ती के लिए आमंत्रित आवेदन पत्रों के साथ अब नहीं देना होगा आवेदन शुल्क। कोविड-19 से रोजगार और अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आवेदन शुल्क से अभ्यर्थियों को राहत देने के लिए 31 मार्च 2022 तक सभी परीक्षाओं के लिए आवेदन शुल्क नहीं लिए जाने का शासन आदेश जारी कर दिया है। प्रदेश में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री धामी ने की मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना की घोषणा। योजना के अंतर्गत महिलाओं को स्वरोजगार के लिए आसानी से होगा लोन उपलब्ध। 1,00,000 रुपए तक की मिलेगी सब्सिडी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद अनोखा स्वाद। 2022 का सियासी आगाज किसके सिर सजेगा ताज, कौन होगा सूबे का अगला सरताज। समर अभी शेष है, देखिए शनिवार रविवार रात 9 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाज़ों का नूर। दूर कितना भी जाओ इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं न्यूज़ खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपके पास दो महत्वपूर्ण विभाग है, बल्कि तीन है, समन्वय का कोई मतलब नहीं रहता है। श्रम विभाग और रोजगार विभाग। रोजगार को लेकर के पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है कि 13 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। उत्तर प्रदेश में भी बेरोजगारी का आलम बुरा है, क्या कहेंगे आप? देखिए जो सच है उसको स्वीकारने में हमें कोई गुरेज नहीं है। ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, आप ईमानदारी से बात करते हैं जी। लेकिन पूर्ववर्ती सरकार की तुलना में हमने 3 गुना ज्यादा रोजगार दिया है। सृजन विभाग से निजी क्षेत्रों में रोजगार मेला के माध्यम से नवयुवकों को रोजगार दिया जाता है। अब तक 5,00,000 लोगों को रोजगार दिया है। कहां 1,83,000 पांच साल में और कहां 4.5 साल में 5,00,000। लेकिन अभी भी तो जी। इसके अतिरिक्त रही बात सरकारी क्षेत्रों में 4.5 लाख लोगों को सरकारी क्षेत्रों में रोजगार दिया गया। कुल प्रदेश में 3 लाख संविदाकर्मी हैं, 2 लाख आउटसोर्सिंग से हैं और इसके साथ ही साथ एक जिला एक उत्पाद के माध्यम से कुल प्रदेश में 25 लाख रोजगार सृजन करके नए रोजगार का मौका दिया गया नौजवानों को। सर लेकिन आपके आंकड़े कह रहे हैं कि आपने 25 लाख लोगों को रोजगार दिया, आंकड़े दूसरी कहानी बयां कर रहे हैं, कह रहे हैं लोगों के पास में काम नहीं है, परेशान हो रहे हैं। जहां तक रही बात हमारे संसाधन की जी। हमने हर स्तर पर नौजवानों को रोजगार देने का प्रयास किया है और उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के माध्यम से भी 8 लाख लोग एम्प्लॉयमेंट पाए हैं। तो कुल मिलाकर के सरकारी क्षेत्रों में आप जानते हैं सीमित पद हैं, आबादी सर, आरोप ये भी लगाया जा रहा है बड़े पैमाने पर बड़ी है सर,
लेकिन पूर्ववर्ती जो भी सरकारें हैं उन सरकारों से ज्यादा दो गुना तीन गुना हमने इम्प्लॉयमेंट दिया। सर आपकी सरकार है, कब तक आप लोग पूर्ववर्ती सरकारों के लिए कहते रहेंगे? देखिए वर्तमान में सवाल सर मेरा ये है कि जो सरकारी रोजगार है वो तो करीब करीब खत्म हो रहे हैं। इसके लिए पूर्व की केंद्र सरकार दोषी है जैसा कि मैंने कहा, और आज के तथाकथित विपक्ष ने पैदा किया है उसका भाड़ा फोड़ रहे हैं हमारी सरकार पर। यह कतई व्यवहारिक नहीं है कि जो भी सरकार रहती है वो पूर्ववर्ती सरकार को दोषी बताती है। वर्तमान में आपकी केंद्र में 7 साल की सरकार है, 4.5 साल से उत्तर प्रदेश में सरकार है, आपने क्या क्या बता दीजिए? 4.5 साल की सरकार में तो हमने बताया कि हमने 5 लाख सेवा विजन के माध्यम से रोजगार दिया, 4.5 लाख सरकारी क्षेत्र में नई भर्ती की, 3 लाख संविदा कर्मी है, 2 लाख आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे गए, और साथ ही साथ 8 लाख नौजवानों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से सेवायुक्त किया गया, 25 लाख नौजवानों को 1 जिला 1 उत्पाद के माध्यम से नए रोजगार सृजित करके उनको रोजगार से जोड़ा गया। तो आप इतने बड़े पैमाने पर रोजगार देने के बावजूद भी आरोप वो लगा रहे हैं हम पर जिनको रोजगार देने की संख्या हमारे अनुपात से एक तिहाई से भी कम है। श्रम विभाग की बात करें तो श्रम विभाग में पोर्टल बनाया गया और लोगों को नौकरी देने की बात की गई, पोर्टल में तमाम दिक्कतें आती हैं, उसके सुधार के लिए क्या कर रहे हैं? मैं पूरे देश का पहला श्रम मंत्री उत्तर प्रदेश का हूं जो लेबर अड्डे पर जाने की परंपरा डाली। 60-65 जिलों के एक एक लेबर अड्डे चौराहे पर मैं गया, लेबर अड्डों पर जाकर के वहां पर पंजीयन कैंप लगवाया, हित लाभ योजनाओं को मौके पर बांटना शुरू किया। उसके बाद मैंने निर्देश दिया कि शहरों में जितने भी लेबर अड्डे हैं बारी बारी से प्रत्येक लेबर अड्डे पर कैंप लगे। उसके बाद मनरेगा मजदूरों के लिए गांव में ईंट के भट्टों पर जाकर के ईंट के भट्टों पर काम करने वाले मजदूरों को, निर्माण स्थल पर जाकर के, और यही नहीं हमने पंजीयन को आसान बनाने के लिए पहले श्रमिक हमारे बाबुओं का चक्कर लगाता था, हमने ऑनलाइन पंजीयन की व्यवस्था कर दी। आपने सब ठीक किया, लेकिन दिक्कत ये ना था जो श्रमिक काम कर रहे हैं उनको निकाल दिया जाता है और उनको पूछने वाला कोई नहीं था, कंपनी मनमानियां करती हैं। दो चीजें हैं, अभी आपने देखा होगा श्रमिक 3 प्रकार के हैं। एक निर्माण मजदूर है जिसके लिए उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड बना है। 2009 में ये बोर्ड का गठन हुआ, 2009 से लेकर के 2017 तक यानी 8 सालों में कुल मजदूरों का पंजीयन संख्या 36 लाख था, 8 सालों में 36 लाख और लाभार्थियों की संख्या थी 7 लाख। आज हमारे 4.5 साल की सरकार में 36 लाख का आंकड़ा 1,11,00,000 के पार पहुंच गया। इतनी योजनाएं चलती हैं सरकारें, इतनी योजनाएं चलाती हैं केंद्र सरकार, 125 योजना चला रही है, उत्तर प्रदेश में भी करीब 125 योजनाएं चल रही है, फिर ये श्रमिकों की और मजदूरों की रोजगारों की स्थिति सुधरती क्यों नहीं? आप अगर ठीक से उसकी समीक्षा करेंगे तो आप देखेंगे आज हर स्तर पर श्रम विभाग श्रमिकों के साथ खड़ा है। यहां तक कि वैश्विक महामारी जब कोरोना का हमला हुआ तो पहले दौर में हमने 37 लाख निर्माण मजदूरों को 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी। अभी दूसरी लहर में भी कुल 69 लाख श्रमिकों को हमें देना है, जिसमें हम 23 लाख को एक साथ दे चुके हैं, 19 लाख को दोबारा देने जा रहे हैं और शेष को बारी बारी से जा रहा है। वहीं पर पहले दौर में 37 लाख प्रवासी मजदूरों को भी 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता दिया गया, 14 लाख दिहाड़ी मजदूरों को भी 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता दिया गया। ये पहले तो कभी नहीं हुआ था। अपराजित की बात कर लेते हैं सर, आप 2022 का चुनाव एकदम सामने है, आपकी पुरानी पार्टी बहुजन समाज पार्टी ब्राह्मण का और दलितों का कॉम्बिनेशन बना रही है। सतीश चंद्र मिश्र कह रहे हैं कि 13% और 23% मिलाकर के दिल्ली लीजिए कितना होता है, हम सरकार बनाने जा रहे हैं। देखिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने, तो सपना सबको देखना चाहिए। अगर सतीश मिश्रा जी और बहन मायावती जी दिन में सपना देख रहे हैं तो उनको बधाई, लेकिन सपने कभी साकार नहीं होते, वो सपने सपने होते हैं, जो होश में आने के बाद वो सपने गायब हो जाते हैं। तो इसलिए अगर कोई हवा में उड़ रहा है, कोई दिन में सपना देख रहा है, तो ये उनकी सोच की बलियारी है
इसमें और किसी से कोई लेना देना नहीं। चलिए अखिलेश जी के विषय में क्या कहें, समाजवादी पार्टी के विषय में क्या कहेंगे, लोग कह रहे हैं कि वो नंबर वन की लड़ाई लड़ रही है, वो नंबर वन की लड़ाई है। सभी राजनीतिक पार्टियों को नंबर एक बनने की चाहत होती है, इसलिए इस पर बहस नहीं। उस नंबर एक को बनने के लिए जनता के बीच में जाना होता है, जनहित से जुड़े कुछ मुद्दे उठाने पड़ते हैं। आज विपक्ष के पास मुद्दों का अकाल पड़ गया है। जा तो रहे लखीमपुर जा रहे हैं, दो आज बहराइच भी जा रहे हैं। वो तो अब प्रियंका गांधी को देख करके बार बार सब जा रहे हैं, तो ये जाना नहीं हुआ, ये काम इनको पहले करना चाहिए। अगर ये मुख्य विपक्ष पार्टी अपने को मानते हैं तो ये काम सबसे पहले उनको करना चाहिए था। आपको क्या लगता तो बहुत देर कर दिया इन्होंने। अपनी राजनीति के विषय में आप 6 बार के विधायक रह चुके हैं, बेटी आपकी सांसद हो गई है, बेटा आपका सेकंड पोजीशन पे रह गया था, विधायक बनते बनते रह गया, और आगे की राजनीति की अपने लक्ष्य बेटी बेटा का नहीं है, लक्ष्य उस बहुजन समाज का है जिस बहुजन समाज में हम पैदा हुए हैं, वो दलित और पिछड़े जिनकी हिस्सेदारी के लिए मैं सदैव लड़ता रहा। बीजेपी में रह करके भी जो हमारी हमेशा कोशिश होती है कि जो समाज का वंचित समाज है उसको हिस्सेदारी में प्रायोरिटी देनी चाहिए, और इस बात को लेकर के मैं सदैव सक्रिय रहता हूं। कि पिछली बार जो मेरे पास खबर है आपको ये कहा गया था कि आपको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, इस प्रकार का कहीं कोई न वादा हुआ था और न बात हुई थी, क्योंकि ये राजनीति नहीं है, ये बार्गेनिंग है, और मैं बार्गेनिंग की राजनीति कभी नहीं करता हूं। मैं विचारों की राजनीति करता हूं, नीतियों की राजनीति करता हूं, मुद्दों की राजनीति करता हूं। 6 पिछड़ों को मंत्री बनाया गया और ये कहा गया कि ये पिछड़ों की सरकार है, तो मंडल की राजनीति है ना सर? यह कमंडल और मंडल की राजनीति नहीं है, विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा गया, विकास के मुद्दे पर मैं भी भारतीय जनता पार्टी में खड़ा हुआ, और साथ ही साथ मंडल कमंडल ये मुद्दे क्षणिक होते हैं, अस्थाई यही होता है कि सभी समाज के लोगों की सत्ता शासन में भागीदारी समानुपातिक होनी चाहिए। जो राजनीतिक पार्टी वोट लेती है, ठगती है, ठेंगा दिखाती है, जनता भी बाद में उसको ठेंगा दिखा देती है। आप ये बताइए कि आपकी पार्टी कह रही है अब की बार 350 के पास, अखिलेश जी कह रहे हैं अब की बार 400 के पास, उत्तर प्रदेश में सीटें हैं 403, कहां से आएंगी इतनी सीटें? अब हमने आपको पहले भी कह दिया, सपना सपना होता है, सभी राजनीतिक पार्टियां सरकार बनाती रही हैं। आज बहुजन समाज पार्टी भी सरकार बना रही है, कांग्रेस भी सरकार बना रही है, समाजवादी पार्टी भी सरकार बना रही है, और भारतीय जनता पार्टी सरकार है। लेकिन सरकार किसकी होगी यह फैसला राजनीतिक पार्टियां नहीं करती, यह फैसला जनता करती है। उत्तर प्रदेश में 2013 में जो मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे उसमें जाट और मुस्लिम अलग अलग हो गए थे, लेकिन इस किसान आंदोलन ने दोनों को एक कर दिया है और कहते हैं भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जी, हमने आपको पहले ही कहा एक वाक्य में उसका जवाब मिला कि लोकतंत्र में जनता ही सबसे बड़ी निर्णायक भूमिका में होती है, जनता ही तय करती है किसे सत्ता में बैठाना है, किसको बाहर का रास्ता दिखाना है। तो जो फैसला जनता को करना है उस फैसले को कभी कोई राजनीतिक पार्टी का नेता नहीं कर सकता है, इसलिए उस पर लोकतंत्र में जिसको विश्वास है उसको जनता पर विश्वास करना चाहिए और ये फैसले को जनता पर छोड़ देना चाहिए। किसान आंदोलन करीब करीब समाप्त प्राय हो रहा था, लेकिन लखीमपुर की घटना ने उसको पुनर्जीवित कर दिया। देखिए, किसान आंदोलन आपको डेंट करेगा और कैसे निपटेगा? हमने पहले भी कहा लखीमपुर की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है, भर्त्सना करता हूं, और साथ ही साथ घटना के जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई हो। वो तो बता दें, लेकिन क्या लगता है राजनीतिक तौर पर आपको नुकसान होता दिखाई दे रहा है? कैसे निपटेंगे? नुकसान ऐसी घटनाओं से होता है, लेकिन
हम समय रहते अगर घटना के दोषियों को अपराध जेल पहुंचाते हैं, इस घटना की तय में जाते हैं, जितने भी दोषी हैं सब जेल बारी बारी जेल जाते हैं और पीड़ितों के साथ सरकार खड़ी होती है, तो स्वाभाविक रूप से जनता भी है, सब माफ करती है। और यह घटना सरकार ने नहीं किया, किसी व्यक्ति विशेष की गलती के कारण हुआ है तो कानून उसे सजा देगा। सरकार ने नहीं किया है इसलिए सरकार दोषी नहीं है, सरकार अपराधी नहीं है। सरकार अपराधी तब होती जब अपराधियों को बचाने का काम करती है। समय खत्म हो चुका है, अपराधियों के खिलाफ सरकार खड़ी है, उन्हें सजा दिलाएगी। ठीक है, आखिरी सवाल है मेरा कि आपने तमाम अपनी सरकारी योजनाएं गिनाई जिससे लाखों लोगों को फायदा हो रहा है, आप हमारे के न्यूज चैनल के माध्यम से अपने लोगों को, श्रम विभाग जो रोजगार है, क्या मैसेज देना चाहते हैं कि अगर उनको किसी प्रकार की समस्या हो तो वो आप तक कैसे पहुंचे, उनकी समस्याओं का निदान कैसे हो? मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देता हूं के न्यूज चैनल समाचार परिवार को, जिसने श्रमिकों के विषय में बहुत सी जानकारियां मांगी। आपके चैनल के माध्यम से उन जानकारियों को मैंने दिया भी। मेरी यही चाहत है कि प्रदेश के सभी हमारे निर्माण मजदूर अपना पंजीयन करा करके ज्यादा से ज्यादा योजनाओं का लाभ लें। सभी प्रकार की योजनाएं श्रमिकों के जीवन के बेहतरी के लिए चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं के माध्यम से वो स्वयं सम्मान स्वाभिमान के साथ खड़े होंगे और साथ ही साथ उनके बच्चे, बेटी या बेटा अच्छी पढ़ाई लिखाई करके ऊंचे ओहदे पर पहुंचेंगे। और यही नहीं, जो हमारे असंगठित क्षेत्र के अन्य कर्मकार हैं उनके लिए भी सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का भी गठन हो गया है। जो निर्माण मजदूरों के से इधर हैं, जो भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड से आच्छादित नहीं होते हैं, वो सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के माध्यम से उनको आच्छादित किया जाएगा। और उनको भी मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना के माध्यम से निःशुल्क 5 लाख रुपए तक निःशुल्क चिकित्सा की सुविधा दी जाएगी। बहुत शुक्रिया के न्यूज से बात करने। धन्यवाद स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जो कह रहे हैं कि हमने जो काम किए हैं धरातल पर, जो काम किए हैं लोगों तक, जो अपनी योजनाएं पहुंचाई हैं और लाभ पहुंचाया है, उसका फायदा सरकार को मिलेगा, केंद्र में मोदी और उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार ने जो विकास की योजनाएं, विकास का पहिया आगे बढ़ाया है, उसका फायदा सरकार को मिलेगा और दोबारा सरकार बनेगी, जनता उनको फिर से कार्य करने का मौका देगी। अब 2022 का चुनाव एकदम नजदीक है, जनता क्या तय करेगी ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आप हमें दीजिए इजाजत हमारी टीम के साथ में और हम फिर हाजिर होंगे आपके समक्ष एक ऐसे ही शख्स के साथ।